आदाब नमस्कार, मैं जिशान शेख और लंतरानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने शपथ लेने के ठीक 3 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया। बिहार की नीतीश कुमार की नई नई बनी सरकार में एक बड़ी घटनाक्रम सामने आ रही है। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट में अपनी एक नियुक्ति को लेकर आलोचनाओं से घिर गए थे। नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल चुके नेता मेवालाल चौधरी को अपना शिक्षा मंत्री चुना था, लेकिन उन्हीं मेवालाल ने पद की शपथ लेने के ठीक 3 दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाए जाते ही नीतीश कुमार की नई सरकार पर सवाल उठने लगे थे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल ने इसे लेकर खूब बवाल मचाया था। दरअसल मसला यह भी था कि मेवालाल पर भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति रहते हुए सहायक प्रोफेसर और कनिष्ठ वैज्ञानिक के पदों पर नियुक्तियों में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितियों से जुड़े आरोप लगे हैं। ऐसे में ऐसे नेता को ही शिक्षा मंत्री बनाए जाने के फैसले ने नीतीश कुमार की और ज्यादा भद पिटवा दी। यहाँ तक कि चौधरी को 2017 में JDU से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से शामिल कर लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उस समय BJP ने विपक्ष में रहते हुए चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस वक्त बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। उन्होंने मेवालाल चौधरी के खिलाफ आपराधिक मामला दायर करने की मंजूरी दी थी। वैसे अभी तक मेवालाल के खिलाफ चार्जशीट दर्ज नहीं की गई है। एक पत्रकार से बातचीत में चौधरी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने चुनावी हल्फनामे में भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। मुझे नहीं पता कि आपको ये जानकारी कहां से मिली। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और ये मामला लंबित है। चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है, जाँच जारी है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि मेवालाल चौधरी का कहना है कि तेजस्वी यादव खुद भ्रष्ट है और उन्हें दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। मेरा सफाई एक ही चीज है, ये बिल्कुल बेबुनियाद निराधार, जिसके अंदर कोई सच्चाई का तथ्य नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो आदमी ये ट्वीट कर रहा है, जो आदमी खुद इतने डेंसली, हम तो कहते हैं अंग्रेजी में उसको कहते हैं डेंसली, जो घिरे हुए हों इन सब चीजों से, जो चार्ज शीटेड हों, अगर वो हम पे लगाएं तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और सुन लीजिए, हमारे ऊपर कोई चार्ज शीटेड नहीं है, कोई आरोप नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है हमारे ऊपर आज के दिन में। और जिनके ऊपर जो हैं, जो अंदर हैं, जो अंदर जाने वाले हैं, वही लोग लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज के दिन में मेरे ऊपर कुछ नहीं है। और कोर्ट कुछ था ही नहीं तो कोर्ट तो बरी करेगा ही, अगर कुछ रहता तब ना। अगर कुछ नहीं था तो बर्खास्त क्यों किए गए थे आप पार्टी से? देखिए, ये सब चीजें कभी कभी, मतलब क्या बताएं, मतलब ये सब सवालात उससे रिलेशन नहीं है। सवालात ये है कि हम एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, कोई तथ्य नहीं है, निराधार है, बेबुनियाद है और कुछ नहीं। RJD लगातार 34 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वो अपराधियों को बचा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट में लिखा था, सत्ता अपराधियों को बचा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी की नियुक्त करके लूट और डकैती की छूट दी है। मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर अपना प्रवचन जारी रखेंगे। अल्पसंख्यक समुदायों में से कोई मंत्री नहीं बनाए गए। इसके अलावा पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के अकाउंट से भी किए गए एक ट्वीट में लिखा गया कि तेजस्वी जहां पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देने को प्रतिबंध था, वहीं नीतीश ने पहली कैबिनेट में नियुक्ति घोटाला करने वाले मेवालाल को मंत्री बना अपनी प्राथमिकता बता दिया। विडंबना देखिए, जो भाजपाई कल तक मेवालाल को खोज रहे थे, आज मेवा मिलने पर मौन धारण कर लिए हुए हैं। आपको बताते चले कि मेवालाल चौधरी सुबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साल 2010-2015 तक वाइस चांसलर रहे। नियुक्ति की अनियमितता को लेकर उन पर सुबोर थाना में FIR भी दर्ज है। फिलहाल वो जमानत पर है।
मेवालाल चौधरी वाइस चांसलर रहते हुए भवन निर्माण और नियुक्ति में अनियमितता को लेकर उन पर आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 के तहत मामला दर्ज है। 2015 में रिटायर होने के बाद मेवालाल चौधरी राजनीति में आए थे। वो तारापुर से दूसरी बार विधायक चुने गए, लेकिन साल 2017 में नियुक्ति अनियमितता को लेकर सुबोर थाना में मामला दर्ज होने पर जेडीयू ने उन्हें निलंबित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज़।